इस सेक्टर की फिल्म को 2 साल से नहीं मिल रहे खरीदार, 22 करोड़ में बनी है मूवी। एक्शन के मामले में विद्युत जामवाल का कद टाइगर श्रॉफ से कम नहीं माना जाता। इसके बावजूद विद्युत उन्हें आउटसाइडर होने की कीमत चुकानी पड़ रही है। तिग्मांशु धूलिया की फिल्म 11 के वे हीरो हैं। फिल्म को बने 2 साल हो गए। फिल्म को बनाने में 22 करोड़ रुपए की लागत आई है, मगर फिल्म पर संकट मंडरा रहा है। संकट ये कि यहाँ की फिल्म को कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। डैश फिल्म से जुड़े लोगों का कहना है कि 11 की खरीदारी उसी हाल में मुमकिन है जब तिग्मांशु धूलिया की अगली फिल्म साहब बीवी गैंगस्टर 3 हिट हो सके। डैश या फिर तब जब विद्युत की आगामी फिल्में जंगली और श्रुति हासन के साथ वाली सफल हो सके। डैश श्रुति के साथ उन्होंने हाल ही में शूटिंग शुरू की है, उसका टाइटल तय होना बाकी है। 11 पीरियड फिल्म है। ट्रेड पंडितों के मुताबिक 11 पीरियड फिल्म है। विभाजन के बाद से लेकर 8वें दशक तक एक गैंगस्टर के परिवार की कहानी कही गई है, लिहाजा टॉपिक के लार्जर देन लाइफ के चलते इसकी शूटिंग में 22 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसे खरीदने से वितरक हाथ पीछे नहीं खींचते, अगर इससे जुड़े लोगों की बाकी फिल्मों का हश्र बुरा नहीं हुआ होता तो। दरअसल इसकी मूल निर्माता कंपनी वो है जिन्होंने रॉकी हैंडसम बनाई थी जो बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। निर्देशक तिग्मांशु धूलिया की रागदेश भी नहीं चल पाई। खुद विद्युत की कमांडो दो को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। ऐसे में खरीदारों का 11 पर से भरोसा डगमगा गया। निर्माता भी सही वक्त के इंतजार में है कि तिग्मांशु और विद्युत की आगामी फिल्में चल निकले तो वितरक फिर से 11 में दिलचस्पी दिखाएं।